जो हमारा मोस्टर ऑफ रोड ट्रक है उसकी विंच में एक प्रॉब्लम आ चुकी है। प्रॉब्लम क्या है, जो उसकी कंट्रोलर था जिससे कंट्रोल किया जा रहा था उसके जो पिन थे वो जो है डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इसको जो हमें कनेक्ट करना है और इस जो हमारी विंच है उसको वापस तैयार करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा वायर कहाँ अटैच होगा। तो अपनी जो मैन सप्लाई है मतलब मैन जो यूनिट है उससे कनेक्ट कर दिया है। अब जो हमारी सप्लाई है यानी कि जो बैटरी है उसे भी हम जो इसे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि एक बार सोल्डिंग गन मेरे पास ही है तो एक बार अगर हमने इसको सोल्ड कर दिया तो हमें नहीं पता चलेगा कौन सा कहाँ से होगा। वैसे मुझे तो पता है कि कौन सा वायर कहाँ अटैच होगा, लेकिन आपके लिए वो भी चीज़ बता देता हूँ। जो ये रेड वाला वायर है जो विंच से आ रहा है, ये वायर विंच से आ रहा है। एक विंच का वायर है तो आगे लगा है तो दूसरा पीछे लगा है, क्योंकि आगे पीछे के कंट्रोल के हिसाब से चलता है। और जो दोनों पावर वाले जो पॉइंट है वो बीच में दे रखा है, ये दोनों बीच में दे रखा है। तो जैसे ही देखो इसको मैं आगे की तरफ पहले इसको सेट कर देता हूँ। ये पीछे की तरफ सेट है विंच, इसको दी पावर। चल क्यों नहीं रही है भाई, एक मिनट रुकना आप, इसको वापस आपस में एक यहाँ पे हो रखी है और दूसरी यहाँ होगी। पिंच वाला एक यहाँ पे हो रखा है और एक ये आगे होगा। ये देख रहा हूँ ये क्या करेंगे, इसको यहाँ चिपकाना है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से जो अपना मेटल है उसको इकट्ठा करेंगे। ये मेटल इकट्ठा हो गया, अब इसको रखना है यहाँ पे और वायर को लाना है यहाँ पे इस तरह। देखो अकेले काम करते हैं भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हाँ अब हो गया है, एक तरफ हो गया है, ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है। देख सकते हो जो हमारी सोल्डिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया, यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब देखो किस तरह से जो विंच है वो वर्क करती है। जैसे इसको ऑफ में करूँगा ये देखो बाहर आने लग गई है। जैसे मैं इसको रोका और डाउन करूँगा ये देखो अंदर जाने लग गई है। अपनी विंच जो है ये हो गई है तैयार। उसका स्विच भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, विंच भी अच्छे से वर्क कर रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। ठीक देखो ये होता है, इसमें क्या है दोनों जो विंच के वायर है वो आगे वाले दो कंट्रोल उसमें और ये है बैटरी के दोनों वायर। तो बैटरी के दोनों वायर बीच में और जो पीछे वाला पोर्शन ये खाली रहेगा। तो ये ट्रिक है इसको ठीक करने की। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो।